हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूटेडिया पे। मैं प्रवीण कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आधुनिक भारत के एक चैप्टर, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक यहाँ से शुरुआत, तो आधुनिक भारत के काफ़ी वीडियोस हमने श्रृंखलाबद्ध रूप से आपको अपलोड किए हैं, जो कि आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो एक सीरीज़ में मिल जाएंगे। उसी सीरीज की कड़ी में आधुनिक भारत के 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो बच गए थे, तो मेरा पहला प्रयास होगा कि ये जो 5-6 चैप्टर हैं इनको कंप्लीट करा दूं, ताकि आधुनिक भारत पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। तो उसी क्रम में हमारा जो आज का चैप्टर है वो है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो चलिए इसी को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पूरे आंदोलन के क्रम में मैंने जो कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं उसको समझने के लिए एक भूमिका, या एक तरह से कह सकते हैं इसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। हर काल में, प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, हर काल में ये देखा गया कि जो धर्म होते हैं या जो समाज होता है, उस समाज में धीरे धीरे करके कुछ ऐसे बदलाव आते हैं जिसे हम कुरीतियों की संज्ञा देते हैं। इन कुरीतियों के परिणाम स्वरूप समाज में एक बिखराव, समाज में अव्यवस्था, धर्म में रूढ़िवादिता समाहित हो जाती है, और उसको तोड़ने के लिए एक धार्मिक सुधार होता है। प्राचीन काल में आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध, महावीर के नेतृत्व में एक धर्म सुधार आंदोलन चलाया जाता है। वहीं मिडिवल में आप आएंगे तो देखेंगे कि कुछ महान संत हुए, जिनमें कबीर, गुरु नानक देव आदि आए, जिन्होंने भी समाज में सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार को लेकर के उपदेश दिए। उसी प्रकार से जब यह आधुनिक काल आता है तो आधुनिक काल में सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में कई ऐसी कुरीतियाँ धीरे धीरे करके विभिन्न धर्म समुदायों में, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, पारसी धर्म हो, उनमें कुछ कुरीतियाँ फैलने लगती है। विशेष रूप से हिंदू धर्म का जो क्षेत्र था वह एक ऐसे चौराहे पे पहुंच गया था जहां पर जाकर के उस धर्म में विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियां समाहित हो गई थी, और धर्म दो भागों में उसके धर्म के लोग बट गए थे, एक निम्न जाति के लोग, एक उच्च जाति के लोग। उच्च जाति द्वारा निम्न जातियों पर जो सामाजिक भेदभाव, आर्थिक भेदभाव किए जा रहे थे, इसका परिणाम ये निकल रहा था कि ये कुरीतियाँ इतनी बढ़ गई थी कि आपस में जो जुड़ाव था वो खत्म होने के कगार पे थे। ऐसे में एक दूसरा जो ईसाई धर्म का जो प्रवेश होता है भारत में, जब ब्रिटिशर्स और विभिन्न यूरोपियन कंपनी भारत में आते हैं, पादरी आते हैं, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार होता है, और 1813 में जब ईसाई मिशनरियों को यह मौका मिलता है कि वो आकर के भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करें, तो वो उन्हीं निम्न जातियों को अपना निशाना बनाते हैं, विभिन्न जनजातीय समूहों में जाते हैं और जा करके उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश करना शुरू करते हैं या प्रलोभन देना शुरू करते हैं। इस क्रम में जो ये धार्मिक एक उन्माद का वातावरण बनता है, उसी समय में भारत के बुद्धिजीवी वर्ग उभर करके सामने आते हैं और सामाजिक धार्मिक सुधार को लेकर के भरसक प्रयास करते हैं। उसी क्रम में जो विभिन्न हमारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता रहे, जैसे राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, तो उन प्रमुख व्यक्तित्वों को हम इस चैप्टर के दौरान पढ़ेंगे। तो सामाजिक धार्मिक सुधार में होता क्या है? समाज में जो कुरीतियाँ थी उनकी जड़ें धर्म से जुड़ी थी, और धर्म में जो कुरीतियाँ थी उनकी जड़ें समाज से जुड़ी थी। ऐसे में दोनों स्तर पर बदलाव की पहल लाई गई, शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, और इस प्रयासों के फलस्वरूप जो है यह सुधार आंदोलन सामने उभर करके आया, जिसे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अब इसी सुधार आंदोलन को हम लोग देखेंगे भारत में। अगर भारत में बात करें इस सुधार आंदोलन को, तो तीन प्रमुख क्षेत्र थे जहां से ये सुधार आंदोलन शुरू हुए, बंबई, कलकत्ता और मद्रास। तीन प्रेसिडेंसी क्षेत्र जो ब्रिटिशर्स के समय भारत में थे, इन्हीं तीन केंद्रों से ये सुधार आंदोलन की लहर पूरे भारत में फैलनी शुरू हुई। आखिर ऐसा क्या था इन तीनों क्षेत्रों में कि सुधार आंदोलन का प्रारंभ इन्हीं तीनों क्षेत्रों से हुआ? तो वास्तविकता ये है कि ब्रिटिशर्स जहां इकट्ठा हुए थे, जो व्यापारिक केंद्र बना था, जो प्रेसिडेंसी के रूप में विकसित हुआ था, वहां शिक्षा का विकास सबसे पहले हुआ। इस शिक्षा के विकास ने एक बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग तैयार किया,
और इसी बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग ने इस पूरे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया और यही कारण है कि बंगाल में कलकत्ता, बंबई में और मद्रास में जाकर के ये तीन ऐसे क्षेत्र विकसित हुए जहां से धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की लहर बही जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गई। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पूरे धार्मिक सुधार आंदोलन के सबसे पहले नेता और अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को। तो आइए राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स जो ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं क्या है, कैसे बनेंगे, कैसे याद करेंगे, उन्हीं पर चर्चा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बैकग्राउंड मैंने धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के संबंध में बताया वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले राजा राम मोहन राय जी। तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1774 में हुआ और उनकी मृत्यु 1833 में हुई थी। तो ये एक डेट है, कभी कभी आपको डेट भी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 1774 में राजा राम मोहन राय का जन्म और 1833 में उनकी मृत्यु हुई। वो प्रारंभ से ही मूर्ति पूजा, बहुदेववाद इत्यादि के विरोधी थे। परिणामतः उनमें घर में भी उनके पिता के साथ संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं थे इस बात को लेकर के। अब आते हैं पॉइंट्स की ओर। तो सबसे पहले नवजागरण, जिसे पुनर्जागरण भी कहा जाता है, तो नवजागरण पुनर्जागरण के अग्रदूत या आधुनिक भारत के पिता के नाम से अगर किसी को जाना जाता है तो वो है राजा राम मोहन राय। उन्होंने अपने समय में विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्राप्त की, वे फारसी, अरबी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश जितनी भी भाषाएं थी 6-7 भाषाओं में पारंगत थे। इन भाषाओं के शिक्षा प्राप्त करने के कारण ही उनकी बुद्धिजीविता की स्तर जो थे वो काफ़ी ऊँचे थे। वह एक आम इंसान से हटकर रूढ़िवादी सोचों से ऊपर उठकर मूर्ति पूजा के विरोधी के रूप में और सामाजिक समानता के पक्षधर के रूप में उभर करके सामने आए थे। तो उनके हम कार्यों को 3-4 खंडों में बांट के देख सकते हैं। ये पहला खंड मैंने तैयार किया है कि उन्होंने धार्मिक सुधार की दिशा में क्या क्या कार्य किए। ये दूसरा खंड है वो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कौन से सुधार किए, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन से कार्य किए और अंतिम समय उनका कैसा रहा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं धार्मिक क्षेत्रों की ओर। तो राजा राम मोहन राय जी ने सबसे पहले एक फारसी में ग्रंथ लिखी, तोहफत उल मुहदीन। सबसे पहला पुस्तक उनका यही था, तोहफत उल मुहदीन, फारसी भाषा में। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध जो है सबसे पहले इसी पुस्तक में की और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद होता है एकेश्वरवाद को उपहार, अर्थात वे बहुदेववाद के विरोधी थे। बहुत से देवताओं में विश्वास न करके उनका विश्वास था कि एक ही ईश्वर है, तो उन्होंने एकेश्वरवाद को लेकर के एक पुस्तक लिखी। फिर धीरे धीरे करके धार्मिक सुधार को लेकर के उन्होंने प्रयत्न शुरू किया। 1815 में उन्होंने सबसे पहले एक सभा स्थापित की, आत्मीय सभा। इस सभा का जो उद्देश्य था वह भी इसी प्रकार का था, धार्मिक सुधार से जुड़ा हुआ आत्मीय सभा। फिर उसी के अगले वर्ष, अब देखिए डेट याद करने हो तो आप दो दो को एक साथ याद करें, 1815 और 1816। 1815 में आत्मीय सभा, 1816 जस्ट अगले साल वेदांत सोसाइटी। तो दो उन्होंने संगठन प्रारंभ में बनाए, 1815 में आत्मीय सभा, 1816 में वेदांत सोसाइटी। फिर उन्होंने 1820 में एक प्रमुख कार्य किया, वह क्या था, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। ये पुस्तक कई बार ऑब्जेक्टिव के रूप में विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं कि प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस किसकी लिखी गई पुस्तक है। उनके जो कटाक्ष थे, किनके, राजा राम मोहन राय जी के, उनके जो कटाक्ष थे वो कई बार हिंदू धर्म के विरोध में जाते थे। इसका परिणाम ये निकला कि कुछ ईसाई समूह यह मानने लगे थे कि राजा राम मोहन राय अंततः ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन राजा राम मोहन राय ईसाई धर्म की भी बुराइयों के विरोधी थे। उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो ईसाई धर्म है उसमें ईसा मसीह को चमत्कारिक शक्तियों का मालिक बताया गया है, जबकि यह ऐसी शक्ति किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति में नहीं हो सकती है। तो उन्होंने जो एक
दिखावापन ईसाई धर्म में था उसे भी उजागर करने की दृष्टि से उन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक लिखी, जिसे बाद में 1823 में जॉन डिग्वी के प्रयासों से लंदन में प्रकाशित किया गया। तो ये शुरुआती दौर के कुछ राजा राम मोहन राय के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। उन्हें नवजागरण या आधुनिक भारत के पिता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर में फारसी में एक किताब लिखी, तोहफत उल मुहदीन, जिसमें उन्होंने एकेश्वरवाद को उपहार और बहुदेववाद का विरोध किया। फिर उन्होंने दो सभा या संगठन बनाए, जिसमें आदमीय सभा और वेदांत सोसाइटी, और फिर उन्होंने 1820 में एक किताब लिखी, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसमें उन्होंने ईसाई धर्म की कुरीतियों और ईसाई धर्म के चमत्कारों पर भी प्रहार किया। इसके अलावा उनकी जो सबसे प्रमुख सुधार मानी जाती है वह 1828 में ब्रह्म सभा का गठन था, जिसका मूल उद्देश्य हिंदू धर्म में आए कुरुतियों को दूर करना था। बाद में चल करके यही ब्रह्म समा 1830 में जा करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाने लगा। तो ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय भी किन्हें दिया जाता है? राजा राम मोहन राय को दिया जाता है। उन्होंने इन सभी माध्यमों से जो धर्म थे उस धर्म में एकेश्वरवाद लाने का प्रयास किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया और धर्म में जातिगत भेदभाव को भी दूर करने का प्रयास उन्होंने किया। अब आते हैं, देखते हैं कि उन्होंने शिक्षा के संबंध में कौन से सुधार किए। तो सबसे पहले उन्होंने 1817 में एक कलकत्ता में कॉलेज स्थापित किया, जिसका नाम था हिंदू कॉलेज, और ये कई एग्जाम में पूछे गए हैं कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो उन्होंने राजा राम मोहन राय जी ने की थी, लेकिन यह डेविड हेयर के सहयोग से की गई थी। कई एग्जाम में ये पूछा गया, इवन यूजीसी नेट के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं कि किसके सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो डेविड हेयर के सहयोग से की थी, और कब की थी? तो 1817 में। फिर 1825 में एक और कॉलेज, वेदांत कॉलेज की उन्होंने स्थापना की। तो कॉलेज से जुड़े हुए दो महत्वपूर्ण बिंदु है जो आप याद रखेंगे, एक कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और दूसरा वेदांत कॉलेज। ये 1817 में, ये 1825 में, और हिंदू कॉलेज की स्थापना उन्होंने डेविड हेयर के सहयोग से की थी। अब आते हैं, देखते हैं कि उनके द्वारा किए गए कुछ पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या कार्य किए गए। तो जिस प्रकार से उन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, उन्हें नवजागरण पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, उसी प्रकार से उन्हें भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत या जन्मदाता भी कहा जाता है। वे कई भाषाओं के जानकार थे, इसलिए उन्होंने विभिन्न भाषाओं में पत्रकारिता का श्रेय लिया और उस क्षेत्र में पत्र समाचार पत्र जो है वो छापे। इस दिशा में तीन समाचार पत्र आपको याद रखने हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले 1821, फिर 22 और फिर 22। 1821 में उन्होंने सबसे पहले संवाद कौमुदी, बांग्ला भाषा में उन्होंने एक पत्रिका निकाली। कई बार ये प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा पहली समाचार पत्रिका कौन थी? संवाद कौमुदी। दूसरे तरीके में पूछा जाएगा कि संवाद कौमुदी पत्रिका राजा राम मोहन राय जी ने किस भाषा में छापी? तो बांग्ला भाषा में। तो संवाद कौमुदी उनकी पहली पत्रिका रही जो 1821 में प्रकाशित हुई, और यह बांग्ला भाषा में थी। 1822 में अगले वर्ष उन्होंने मिरात उल अखबार, ये कई बार आपने ऑब्जेक्टिव्स में देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो निश्चित रूप से याद कर ले, देखने को मिल जाएगा। मिरात उल अखबार उन्होंने फारसी भाषा में जो है प्रकाशित की। और अंतिम ब्राह्मणिकल मैगजीन, ब्राह्मणिकल मैगजीन उन्होंने इंग्लिश में प्रकाशित की। तो तीन मैगजीन आपको याद रखना है, 1821, 1822, 1822। पहला है जो संवाद कौमुदी जो बांग्ला में था, दूसरा मिरात उल अखबार जो फारसी में था, और तीसरा ब्राह्मणिकल मैगजीन जो इंग्लिश में था। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में ये राजा राम मोहन राय जी के तीन प्रमुख कार्य। अब आते हैं सामाजिक दृष्टि से, देखते हैं उनके कौन से योगदान रहे। तो सामाजिक दृष्टि से वे जातिवाद के विरोधी थे,
समाज में समानता के पक्षधर थे और महिलाओं के उत्थान के काफी पक्षधर थे। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। तो इस दृष्टि से भारतीय होने के नाते ये अगर प्रश्न पूछा जाता है कि किस भारतीय के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जा सका, तो उसका सही उत्तर होगा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। लेकिन यदि यह पूछा जाता है कि किस गवर्नर जनरल के प्रयासों से यह सफल हो सका, तो उत्तर होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना 1829 में यह प्रतिबंध बंगाल के क्षेत्र में लगाया गया था और 1830 में मद्रास और बंबई के क्षेत्र में इसे लगा दिया गया था। तो ये सती प्रथा उनका एक सामाजिक योगदान माना जा सकता है। अब आते हैं, जब यह कार्यों के अंतिम चरण में वो पहुंचते हैं तो उनके जीवन में कौन सी घटनाएं होती है। 1830 में उनसे मुगल बादशाह अकबर द्वितीय संपर्क करते हैं, उन्हें राजा की उपाधि देते हैं और अपने एक दूत के रूप में उन्हें ब्रिटेन भेजते हैं और यह संदेश पहुंचाने के लिए बोला जाता है कि आप जा करके ब्रिटिश राजा को यह संदेश दें कि भारतीय राजा की स्थिति काफ़ी ख़राब है, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। परिणाम स्वरूप 1830 में राजा की उपाधि प्राप्त करने, यहाँ पर कई प्रश्न पूछा गया है कि उन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी किनको, राजा राम मोहन राय जी को 1830 में। और उसके बाद वे गए थे कहाँ, ब्रिटेन। ब्रिटेन जाने के लिए उन्होंने समुद्री मार्ग को पार किया और समुद्री मार्ग को पार करके ब्रिटेन जाने वाले वे प्रथम भारतीय थे। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने समुद्र के मार्ग से पहली बार ब्रिटेन की यात्रा की, तो वो थे राजा राम मोहन राय। क्योंकि इससे पहले यह भी मान्यता थी कि समुद्र को पार करने वाला व्यक्ति अछूत हो जाता है, तो चूंकि वे धार्मिक इस प्रकार के मान्यताओं को तोड़ना चाहते थे तो जानबूझ करके भी वो समुद्र के मार्ग से वहां गए। वहां जाने के बाद 1833 में ब्रिस्टल एक जगह है जो इंग्लैंड में है, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो कई बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि किस भारतीय नेता या किस भारतीय समाज सुधारक की मृत्यु ब्रिटेन में हुई थी, तो ब्रिटेन के ब्रिस्टल में मृत्यु राजा राम मोहन राय जी की हो गई। तो ये पूरा का पूरा जो एक पार्ट था जिसको हमने थोड़े से अलग अलग व्यू में दिखाया, पहले भाग में हमने दिखाया कि कैसे विभिन्न संगठनों के माध्यम से उन्होंने धार्मिक मामलों में जो कुरीतियाँ थी उस पर प्रहार किया, फिर उन्होंने शिक्षा के केंद्र में सुधार के लिए प्रयास किया, पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में वो सफल रहे, कुछ प्रथाओं पर प्रतिबंध भी लगवाया और अंतिम समय में वे ब्रिटेन गए जहां उनकी मृत्यु 1833 में ब्रिस्टल में हो गई। अब आते हैं फिर से पुनः लौट करके कि उनकी मृत्यु के बाद ये ब्रह्म सभा का क्या हुआ। तो सबसे पहले ही बात कि जब वे 1830 में ब्रिटेन चले जाते हैं तो उनके ब्रिटेन जाने के बाद रामचंद्र बीघा बगीश, याद रखिएगा बगीश एक नाम, रामचंद्र बीघा बगीश जी थे जिनको यह नेतृत्व तब तक सौंपा गया जब तक वो ब्रिटेन है। लेकिन 1833 में जब ब्रिटेन में ही राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो गई तो बगीश जी को पद से हटा दिया गया और कार्यभार जो है वो स्वयं द्वारिकानाथ टैगोर जी द्वारा संभाला गया। याद रखेंगे 1830 से 33 तक बगीश जी द्वारा, रामचंद्र बीघा बगीश द्वारा संभाला गया। 1833 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा संभाला गया और जब द्वारिकानाथ टैगोर की मृत्यु 1843 में हो जाती है तो उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा इस ब्रह्म समाज का कार्यभार संभाला जाता है। तो तीन स्टेप में याद रखेंगे, 1830 से 33 बगीश जी द्वारा, 33 से 43 द्वारिकानाथ जी द्वारा और 43 से लेकर के उसके बाद के समय के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। देवेंद्रनाथ टैगोर जी के संभालने के क्रम में ही केशव चंद्र सेन जी का आगमन होता है और ये भी भारतीय इतिहास के समाज सुधारक की श्रेणी में एक अच्छे मतलब व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। ऐसे में केशव चंद्र सेन जी से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं उसको देखते हैं। केशव चंद्र सेन जी जब ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इन्हें आचार्य के पद पर बैठा दिया।
केशव चंद्र सेन जी काफी उदारवादी थे, उन्होंने विभिन्न धर्मों को जोड़ने का प्रयास किया और इस तरह से जो ब्रह्म समाज था वो पुनः काफी उदार होने लगा। परिणाम स्वरूप देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने 1865 में ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन जी को आचार्य के पद से हटा दिया। हालांकि केशव चंद्र जी के प्रयासों से ब्रह्म समाज का विस्तार बंगाल के बाहर भी हुआ और बंगाल के बाहर के विभिन्न क्षेत्रों में कई ब्रह्म समाज की संस्थाएं और उनके जो विभिन्न क्षेत्र है वो संगठन जो है वो खोले गए। अब 1865 में जब ब्रह्म समाज के पद से उन्हें हटाया गया तो ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया। एक पुनः ब्रह्म समाज का ब्रह्म समाज रहा और दूसरा आधी ब्रह्म समाज बना जो बाद में चल करके भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। जो आधी ब्रह्म समाज बना उसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन जी ने किया। जो आदि ब्रह्म समाज बना जिसे बाद में भारतीय ब्रह्म समाज भी कहा जाता है उसका नेतृत्व केशव चंद्र सेन जी ने किया और जो पुराना ब्रह्म समाज रह गया उसका नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने किया। केशव चंद्र सेन जी द्वारा नेतृत्व में लाए गए भारतीय ब्रह्म समाज ज़्यादा चर्चित रहे। उन्होंने अपने प्रयासों के फलस्वरूप केशव चंद्र सेन जी ने ब्रह्म विवाह एक्ट को पारित करवाया और इसके अनुसार ब्रह्म विवाह के आधार पर शादी करने वाले लोगों को मैरिज रजिस्टर्ड किया जाने लगा। लेकिन समस्या तब उत्पन्न हुई जब 1878 में जाकर के जिस प्रकार की कुरीतियों का विरोध केशव चंद्र जी सेन जी किया करते थे उसी कुरीति को वो खुद भी कर बैठते हैं। मात्र 12 वर्ष की अपनी पुत्री का विवाह बिहार के राजा से वो कर बैठते हैं। परिणाम क्या निकलता है कि पुनः जो है यह आदि ब्रह्म समाज भी दो भागों में बट जाता है और इस प्रकार से ब्रह्म समाज इतने खंडों में टूट जाता है कि पुनः ब्रह्म समाज को कोई बड़ा नेता नहीं मिल पाता है और इस तरह से ब्रह्म समाज धीरे धीरे करके मुख्य धारा से हटने लगते हैं और कुछ अन्य समाज जैसे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि सामाजिक सुधार की दिशा में आगे चले आते हैं। तो आज के अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी और कैसे ये सुधार आंदोलन शुरू हुआ। आज के हमारे मुख्य व्यक्तित्व में थे राजा राम मोहन राय जी, थोड़ा बहुत देवेंद्रनाथ टैगोर जी और फिर केशव चंद्र सेन जी। और अगले वीडियो में हम लोग इसी पार्ट से जुड़े हुए एक वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें दयानंद सरस्वती जी और जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको देखेंगे और जब पूरा चैप्टर खत्म होगा तो फिर इसका ऑब्जेक्टिव भी हम लोग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पढ़ाई को थोड़ा जोरदार बनाए रखें, कंटिन्यूअसली हो जाए, वीडियोस भी देखें, बुक भी पढ़ें, अपने ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करें और अपने लाइफ में सफल होकर के दिखाएं। धन्यवाद एडुटेरिया फैमिली से जुड़ने के लिए और इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू दोस्तों।